नमस्कार। आज के लेक्चर में कक्षा 9 के लिए एक्सरसाइज 10.4 वृत्त से संबंधित जो है सवाल है उनको हम करेंगे। 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर वाले दो वृत्त दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। उनके केंद्रों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है। उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास एक वृत्त और ये दूसरा वृत्त, इसका केंद्र O, इसका केंद्र O डैश, ये इनकी उभयनिष्ठ जीवा मान लीजिए AB। इस जीवा की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। क्या दिया है? पांच सेंटीमीटर तथा तीन सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त ए तथा बी पर प्रतिच्छेद करते हैं। ए बी उभयनिष्ठ जीवा। सिद्ध क्या करना है या ज्ञात करना? ज्ञात करना उभयनिष्ठ जीवा ए बी की लंबाई, इसको ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? इसकी त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर, इसकी 3 सेंटीमीटर, केंद्र को मिला ले, ये हमारे पास आ चुका है। तो देखिए ओ ए बराबर 5 सेंटीमीटर, हल ओ डैश ए बराबर में 3 सेंटीमीटर। आपको पता है जो उभयनिष्ठ जीवा पर केंद्र बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा लंब होती है दो वृत्तों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा उभयनिष्ठ जीवा पर लंब होती है। अभी हम पिछले जो एक्सरसाइज में इसको सिद्ध भी कर चुके हैं कि दो केंद्रों को मिलाने वाली जो रेखा है वो जीवा पर क्या होती है? लंब होती है। तो मान लीजिए ये M है, लंब होती है, तो इसका मतलब O M A O डैश M A बराबर 90, ये है। अब देखिए मान लो A M बराबर Y सेंटीमीटर, कितना मान ले? Y सेंटीमीटर। OM मान ले X सेंटीमीटर, कितना? X सेंटीमीटर, ये Y, ये X, और O डैश M कितना हो गया फिर? 4 माइनस X सेंटीमीटर, कितना हो गया? 4 माइनस X, क्योंकि केंद्रों के बीच की दूरी कितनी है? 4 सेंटीमीटर, यहां तक 4 सेंटीमीटर, ये हो गया 4 माइनस X, O डैश M। अब समकोण त्रिभुज ओ एम ओ में पाइथागोरस के द्वारा कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर जमा में लंब का स्क्वायर। कर्ण कितना है? ओ ए। आधार कितना है? एक्स स्क्वायर। लंब कितना है?
वाई स्क्वेयर। तो यहां हम वाई स्क्वेयर को कॉमन लेने के लिए हम वाई स्क्वेयर बराबर लिख लें, तो वाई स्क्वेयर बराबर ओ ए की वैल्यू कितनी है पांच, तो पांच का स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर को हम इधर ले आए, एक्स स्क्वेयर को हम इधर ले आए, तो इसको क्या लिख दूंगा नंबर वन। इसी प्रकार त्रिभुज ए एम ओ डैश में, इसी प्रकार त्रिभुज ओ ए एम ओ डैश में क्या हो गया, ओ ए का स्क्वेयर बराबर में ए एम का स्क्वेयर प्लस ओ डैश एम का स्क्वेयर। तो देखिए यहां वैल्यू पुट कर दें, ओ ए तीन का स्क्वेयर, वाई का स्क्वेयर फोर माइनस एक्स का होल स्क्वेयर, तो नौ बराबर में वाई स्क्वेयर प्लस सोलह प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस एट एक्स, यह फॉर्मूला लगा दिया ए प्लस बी का होल स्क्वेयर। तो यहां से वाई स्क्वेयर की वैल्यू निकाले, तो वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू, ये सारे इधर उठा लाए, नौ माइनस सोलह माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस एट एक्स, वाई स्क्वेयर बराबर में कितने बच गए सोलह में से नौ गए सात माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस एट एक्स, इक्वेशन नंबर दो। ये पहली इक्वेशन होगी, ये वो दूसरी होगी, दोनों को बराबर लिख दें, एक तथा दो से ये भी वाई स्क्वेयर के बराबर है, ये भी वाई स्क्वेयर के बराबर है, तो पांच का स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर बराबर में माइनस सात माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस आठ एक्स, वाई स्क्वेयर की वैल्यू यहां से हमने ले ली, तो एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर कैंसल, तो पच्चीस माइनस पच्चीस प्लस सात बराबर में एट एक्स, तो बत्तीस बराबर में एट एक्स, तो यहां से एक्स की वैल्यू कितनी आ गई चार, तो एक्स बराबर कितना आ गया फोर सेंटीमीटर, एक्स कितना आ गया फोर सेंटीमीटर। लेकिन हमने निकालना क्या है, हमने क्या निकालना है, उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई, तो ए एम निकालेंगे पहले, तो एक्स की वैल्यू जो है हम समीकरण एक में रख दें, एक्स का मान समीकरण एक में रखने पर, तो वाई स्क्वेयर बराबर में पांच का स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, मतलब 25 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है चार, तो चार का स्क्वेयर 25 माइनस 16 बराबर में कितना आ गया नौ, तो वाई स्क्वेयर बराबर में नौ, और यहां से वाई की वैल्यू कितनी आ गई नौ का वर्गमूल बराबर में तीन सेंटीमीटर, वाई कितनी आ गई तीन सेंटीमीटर। तो ये ए वाई को डबल कर दें, ए बी बराबर में दो गुना में ए एम मतलब तीन गुना में दो बराबर में छह सेंटीमीटर, उभयनिष्ठ जीवा की जो लंबाई है वो कितनी है छह सेंटीमीटर उत्तर। तो उम्मीद करता हूं किस प्रकार से ये सम हुआ, पहले इस ट्रायंगल में पाइथागोरस लगा दी, फिर इस ट्रायंगल में दोनों से हमने एक्स और वाई की वैल्यू निकाल ली और वाई को क्या कर दिया डबल। उम्मीद करता हूं ये सम आप समझ चुके। देखते हैं सेकंड सम, यदि एक वृत्त की दो जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करें तो सिद्ध कीजिए कि एक जीवा के खंड दूसरी जीवा के संगत खंडों के बराबर है। हमारे पास एक वृत्त है, इसकी दो जीवाएं हैं, ये ए बी सी डी जो वृत्त पर कहीं बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो इनके दूसरी जीवा के संगत खंडों के बराबर है, पहले दिया है, एक वृत्त जिसका केंद्र ओ, एक वृत्त जिसका केंद्र ओ तथा दो समान जीवाएं ए बी तथा सी डी
बिंदु P पर आंतरिक प्रतिच्छेद करती हैं, अंदर प्रतिच्छेद करती हैं। क्या सिद्ध करना है? इनके खंड बराबर हैं। सिद्ध करना AB बराबर PC, दूसरा PD बराबर PB, PB बराबर PD, यानी इनका ये भाग इसके बराबर सिद्ध करना है, ये भाग इसके बराबर सिद्ध करना है। तो कैसे सिद्ध करेंगे? प्रमाण क्या करें? यहां पर एक लंब गिराएं, OM लंब AB तथा ON लंब CD रचना करो। रचना करें, OP को मिलाएं, OP को मिला दिया। अब क्या करें? इन त्रिभुज को हम सर्वसम सिद्ध करेंगे, OMP और ONP, त्रिभुज OMP तथा ONP में इन त्रिभुजों को हम सर्वसम सिद्ध करेंगे। किस प्रकार सिद्ध करेंगे? देखिए, पहले तो OM बराबर ON क्यों बराबर है? क्योंकि बराबर जीवाएं केंद्र से बराबर दूरी पर होती हैं। अगर जीवाएं बराबर हैं तो उनके केंद्र से भी दूरी बराबर होती है, बराबर जीवाएं केंद्र से बराबर दूरी पर है। दूसरा, आप देखिए OMP और OMP बराबर में ONP बराबर में 90, क्यों? अभी अभी रचना की है, रचना द्वारा एक OPOP कॉमन, OPOP उभयनिष्ठ। तो कौन सा नियम लग गया यहां सर्वांग समता का? राइट, RHS, यानी कि समकोण करण भुजा, समकोण करण भुजा नियम द्वारा त्रिभुज OMP सर्वांग सम है त्रिभुज ONP, ये दोनों क्या होगी? सर्वांग सम। किस नियम के द्वारा? RHS नियम के द्वारा। अगर ये दोनों सर्वांगसम है तो MP किसके बराबर होगा? NP के। MP बराबर में NP, CP CT, इसको क्या लिख लूं? नंबर वन। इतने इतने हिस्से हमने बराबर कर दिए हैं। अब चलते हैं, आपको पता है AB बराबर क्या है? CD बराबर जीवाएं दिया है, इसका आधा कर दें, AB बटा में दो, CD बटा में दो, दो से भाग करने पर, दो से भाग। अब दो से जैसे ही भाग किया तो AB का आधा कितना हो गया? AM। इसका आधा कितना हो गया? CN, AM, और इसका आधा CN, या इसको और भी लिख सकते हैं MB बराबर में ND, ये दोनों हो सकते हैं। इससे इसको नंबर दो दे दूं, इसको नंबर तीन दे दूं, ये दोनों को आधा लिख दें, AM बराबर CN हो गया, MB बराबर ND हो गया। हमने क्या सिद्ध करना है? AM में से MP माइनस कर दें। ये रहा AM, यानी कि समीकरण दो में से एक घटाने पर, समीकरण दो में से
एक घटाने पर, ये देखिए एम माइनस एमपी, दूसरी साइड सीएन माइनस एनपी, घटा दिया एम में से पीएम घटा दे तो क्या बच गया एपी, दूसरी साइड क्या बच गया सीएन माइनस एनपी, सीएन माइनस एनपी क्या बच गया पीसी, ए हो गया एक तो इति सिद्ध, एक पार्ट हो गया पूरा। दूसरा दूसरा अगर आप इसमें ये जोड़ दें, यानी कि समीकरण तीन और एक को जोड़ने पर, समीकरण तीन और एक जोड़ने पर, जोड़ने तीन कौन सी है और एक कौन सी है, एमबी प्लस एमपी, एमबी प्लस एमपी बराबर में एनडी प्लस एनपी, अब ऐड करेंगे एमबी प्लस एमपी, एमबी प्लस एमपी तो क्या बन गया ये पीबी, दूसरी तरफ क्या बन गया पीडी, यही सिद्ध करना था, ये देखिए पीडी इति सिद्धम, ये दूसरा पार्ट इसका सिद्ध हुआ इति सिद्धम। उम्मीद करता हूं ये वाला सम भी आप अच्छी तरह से समझ चुके हैं।